चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान कर दिया है। पूरा चुनाव 7 चरणों में होगा। 19 अप्रैल से पहले चरण की वोटिंग शुरू हो जाएगी, जिसके लिए नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है, जो 27 मार्च तक चलेगी। वहीं बीजेपी ने चुनाव के लिए 267 तो कांग्रेस ने 82 कैंडिडेट्स के नामों का भी ऐलान कर दिया है। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस आज अपनी तीसरी लिस्ट की घोषणा कर सकती है। इसी बीच दिल्ली में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या है वो आरोप, आइए जानते हैं। पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार का घेराव करते हुए कहा कि चुनावी बॉन्ड का मुद्दा काफी सीरियस है। कांग्रेस ने लोगों से जो पैसा इकट्ठा किया वो बीजेपी ने फ्रीज कर दिया है, ये अलोकतांत्रिक है। सोनिया गांधी ने कहा कि मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के पैसे पर जानबूझकर हमला किया है। मिनिस्टर टू क्रिपल द इंडियन नेशनल कांग्रेस फाइनेंशियली, फंड्स कलेक्टेड फ्रॉम द पब्लिक आर बीइंग फ्रोजन एंड मनी फ्रॉम आवर अकाउंट्स इज बीइंग टेकन अवे forcibly. However, even under these most challenging circumstances, we are doing our very best to maintain the effectiveness of our election campaign. On the one hand, there is the electoral bond issue mentioned by Congress President Khargeji, which has been declared unconstitutional by the Supreme Court. The electoral bonds have benefited, as everyone knows, the BJP hugely, massively. On the other hand, the finances of the principal opposition party, the Indian National Congress, are under a determined assault. This, we all believe, is unprecedented and undemocratic. Thank you. शुक्रिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए, किसी कोर्ट ने, चुनाव आयोग ने कुछ नहीं कहा, यहाँ कोई लोकतंत्र नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारी असुर शक्ति से लड़ाई हो रही है, नफरत भरी असुर शक्ति से। All our bank accounts have been frozen. We can do no campaign work. We cannot support our workers. We cannot support our candidates. Our leaders cannot fly from one part of the country to the other. Forget fly. They can't take a railway train. And this has been done literally 2 months before the election campaign. Why has it been done? One notice comes from the 90s, another notice comes from 6-7 years ago. Quantum amount, 14 lakh rupees. And punishment, our entire. वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार कांग्रेस को असहाय बनाकर फ्री और फेयर चुनाव की बात करती है। खड़गे ने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड और कांग्रेस के बैंक अकाउंट पर आयकर विभाग की कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड को गैर कानूनी और असंवैधानिक करार दिया है। उस योजना के तहत मौजूदा सत्ताधारी पार्टी ने अपने खातों को करोड़ों अरबों रुपए से भर लिए, जबकि दूसरी ओर साजिश के तहत मुख्य विपक्षी दल के बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं, ताकि पैसों के अभाव में चुनाव लड़ने में विपक्षी पार्टी को समान अवसर न मिले। यह सत्ताधारी दल का खतरनाक खेल है। खड़गे ने आगे कहा कि मुझे उम्मीद है कि सच्चाई जल्द ही हमारे सामने होगी। मैं संवैधानिक संस्थाओं से अपील करता हूं कि अगर वे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव चाहते हैं तो उन्हें हमें अपने बैंक खातों का इस्तेमाल करने दें। सुप्रीम कोर्ट ने जिस चुनावी चंदा बॉन्ड को इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा, उस स्कीम के तहत मौजूदा सत्ताधारी दल ने हजारों करोड़ रुपए से ज्यादा अपने अकाउंट में भर लिया है, और दूसरी तरफ साजिशन मुख्य विपक्षी दल का बैंक अकाउंट
फ्रीज कर दिया गया है ताकि हम पैसों के अभाव में बराबरी से चुनाव ना लड़े और ना लड़ पाए। ये सत्ताधारी दल द्वारा एक खतरनाक खेल है। साथ ही कहा कि लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि चुनाव निष्पक्ष रूप से कराया जाए। इन चुनावों में सभी राजनीतिक दलों के समान अवसर मुहैया कराए जाए। पिछले कुछ दिनों में सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद चुनावी बॉन्ड का जो डेटा सबके सामने आया है उससे देश की छवि को काफी नुकसान हुआ है।